नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे परागण के प्रकार। बच्चों, हम जानते हैं कि पराग कणों का पराग कोश से झड़ने के बाद स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना या स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। परागण जो हमारी कोर्स में बच्चों मेंशन किए हुए हैं वो है तीन प्रकार के। सबसे पहला प्रकार उसमें है स्वयुग्मन। इसमें बच्चों क्या होता है कि एक ही पुष्प के पराग कण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होते हैं। इसे ऑटोगैमी भी कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों दो बातें होनी बहुत जरूरी है। पहली है कि पराग कण का विमुक्त होना और वर्तिकाग्र का परिपक्व होना, ये दोनों एक ही समय पर होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि पराग कोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के पास होने चाहिए ताकि पराग कोश से पराग कण झड़ते ही वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच सके। यहाँ पर बच्चों स्वयुग्मन को या स्वपरागण को निश्चित करने के लिए कुछ पादप एक अनुकूलन विकसित करते हैं। इन पादपों के उदाहरण हैं जैसे वोयला, ऑक्सेलिस, कोमोलिना। इन पौधों के अंदर दो तरह के पुष्प पैदा होते हैं। पहला प्रकार कहलाता है उन्मील परागणी पुष्प, यानी कि कैस्मोगैमस फ्लावर्स। ये ऐसे फूल होते हैं जो सामान्य फूलों की तरह ही खिलते हैं, जैसा कि यहाँ इस चित्र में ये लाल रंग के फूल आपको दिखाई दिए हुए हैं जो खिले हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये एक और तरह के पुष्प पैदा करते हैं जो कहलाते हैं अनुन्मील्य परागणी पुष्प, यानी कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये ऐसे फूल होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं है, यानी कि ये जो है हमेशा कली के रूप में बंद ही रहते हैं। अब सोचो, जब ये कली के रूप में बंद हैं, ये कभी खुलेंगे ही नहीं, तो इनमें स्वपरागण ही होगा, इसकी पूरी गारंटी हो जाती है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो स्वपरागण है इसमें एक विशेष बात होती है कि जो पौधों के अंदर किसी भी तरह की आनुवंशिक विविधता आने की कोई भी संभावना नहीं होती है, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं दूसरे तरह के परागण की, जिसको कहते हैं सजात पुष्पी परागण। इसमें बच्चों एक पुष्प से पराग कण निकलकर उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होते हैं। इसमें बच्चों पराग कण की विमुक्ति और वर्तिकाग्र का एक ही समय पर परिपक्व होना आवश्यक नहीं होता। साथ ही साथ पराग कोश और वर्तिकाग्र की स्थिति का भी यहाँ कोई महत्व नहीं है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सजात पुष्पी परागण है ये क्रियात्मक रूप से पर परागण है, क्योंकि इसमें पराग कणों का स्थानांतरण करने के लिए कोई ना कोई कारक चाहिए। यानी कि एक पुष्प से जब पराग कण निकल रहे हैं और उसी पौधे पे लगे दूसरे पुष्प पे पहुंच रहे हैं, तो या तो वो वायु के माध्यम से जाएंगे या कोई कीट पतंगों के माध्यम से जाएंगे, है ना। तो कोई ना कोई स्थानांतरण का कारक यहाँ पर आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि क्रियात्मक रूप से यह पर परागण है, लेकिन आनुवंशिक रूप से यह स्वपरागण या स्वयुग्मन के समान ही है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई आनुवंशिक विभिन्नता की संभावना नहीं है। चलो अब हम चलते हैं परागण के तीसरे प्रकार के ऊपर, जिसको हम पर परागण कहते हैं। इसमें बच्चों एक पादप के पराग कोश से जो पराग कण विमुक्त होते हैं वो दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों पराग कण की विमुक्ति और जो वर्तिकाग्र का परिपक्व होना, इसमें समकालिक होना आवश्यक नहीं है, और साथ ही साथ पराग कोश और वर्तिकाग्र की स्थिति का भी यहाँ पर कोई महत्व नहीं होता, क्लियर। अब एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखना कि आनुवंशिक रूप से ये भिन्न 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 पराग कण यहाँ पर स्थानांतरित होते हैं, क्योंकि पौधे अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो ये थे परागण के प्रकार।